हॉर्न सैंडविच, इसको मैंने बीच से स्लिट किया, अलग नहीं करना है, ठीक है। और स्लिट करने के बाद इसको हल्की आंच पे मैंने गरम कर लिया। अब जब तक आप लोग ब्रेक पे जाएंगे, मैं एक काम करूँगी कि इसको मैं मक्खन लगा रही हूँ लोटपाक का, और क्रीम चीज़ पक्की मैं इस पर लगा के रेडी रखती हूँ। जी आप इस वक्त मसाला मानेंगे। अच्छा जी, तीन स्टेप्स हैं किस चीज़ के, इस सैंडविच के, ठीक है। चिकन टिक्का क्रोसॉन सैंडविच या मैनिया जो भी आप बोलते हैं, तीन स्टेप है। पहला स्टेप यह है कि आपको चिकन को मैरिनेट करके कुक करना है। दूसरा स्टेप उसकी सॉस बनानी है। तीसरा स्टेप एक प्याले में उसकी वेजीज जमा करनी है, ठीक है। तो आइए हम पहले वेजीज जमा करते हैं। देखें मेरे पास आइसबर्ग लेटस है, ये रखा हुआ है। आइसबर्ग लीजिएगा प्लीज़, अभी तो सीज़न है, आपको मिल जाता है। गर्मियों में रमज़ान के लिए आपको ये रेसिपी बनानी है तो सलाद का पत्ता ना डालिएगा आप, बंद गोभी कैबेज चॉप करके डालेंगे, ठीक है, वो क्रंची रहता है। अच्छा, इसमें मैंने लिया है एक कप सलाद का पत्ता चॉप्ड। इसी में मैं शामिल करूँगी एक कप खीरा बीन्स निकाल के क्यूब्स, एक कप टमाटर बीन्स निकाल के क्यूब्स, ठीक है। ये हमारी वेजीज हो गई, इसको आप मिक्स कर लो। थोड़ा सा चाहो तो इसमें आप सॉल्ट एंड पेपर डाल लो, ठीक है। ये हम डालेंगे, क्वार्टर टीस्पून पेपर, क्वार्टर टीस्पून सॉल्ट, ठीक है। अब मैं आ रही हूँ इसकी सॉस बना रही हूँ। सॉस के लिए मुझे चाहिए मक्खन लोटपाक का, कोयला चाहिए मुझे इसको धुआं देने के लिए चिकन को जो मैंने यहाँ रख दिया है, लोटपाक का मक्खन 4 ounces, सब 4 थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, मैं 2 डाल रही हूँ बिकॉज इसमें मेयोनीज भी जाएगी। ठीक है, केचप 1 tablespoon, हॉट सॉस 2 tablespoon और मेयोनीज। केचप 1 tablespoon, 1 to 2 डाल दें कोई मसला नहीं है। हॉट सॉस 2 tablespoon, चिली सॉस भी डाल सकते हैं, हॉट सॉस भी डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें जाएगी मेयोनीज 3 tablespoon, ये इसकी सॉस है। बटर प्लीज 2 ounces कर लीजिए, 2 ounces मक्खन, 3 tablespoon मेयोनीज, 1 to 2 tablespoon केचप, 2 to 3 tablespoon हॉट सॉस या चिली सॉस, पतली वाली जो लोकल वाली आती है वो। बस अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, यह आपकी बेहतरीन सी सॉस रेडी है जो हमारे क्रोसॉन्स के ऊपर जाएगी। ये हो गया हमारा सैलेड हो गया जो इसके अंदर जाएगा। अब हम आ रहे हैं चिकन को मैरिनेट करेंगे, चिकन को कुक करेंगे, कोयले का धुआं देंगे और फिर सैंडविचेस बनाएंगे। चिकन को हमें मैरिनेट करना है बेकिंग पाउडर 1 teaspoon। अच्छा सॉरी, मुझे एक बात याद आ गई,
अभी जो कॉलर थी उन्होंने कहा उनके पास अवन नहीं है तो वो क्या करें। देखें प्रोग्राम से शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था दोनों तरीके, अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप घबराएं नहीं, आप ये मैक एंड चीज़ और ये ब्रेड दोनों आप बड़ी पतीली लीजिए, उसमें आप जाली रखेंगे, इतनी बड़ी जाली जो आती है कोई भी चीज़ रखने की, आप दूध का पतीला रखते हैं उस पर ठंडा करने, इधर अभी इस वक्त रखी नहीं है छोटी, तो छोटी जाली आप उस पतीले में रखें और पतीले को गर्म करें जिस तरह आप अवन को गर्म करते हैं। जब अवन आधा प्री हीट हो जाए, गर्म हो जाए, तो उसमें फिर आप ये मैक एंड चीज़ का डिश जाली के ऊपर रख दीजिए और ढक्कन से ढाक दीजिए, उसको कवर कर दीजिए पतीली को, और 20-25 मिनट पकाइए, वो बेहतरीन पक जाएगा, आराम से निकाल लीजिए। उसी तरह जाली के ऊपर आपने ये डबल रोटी की ट्रे रखी, ऑफकोर्स आपको पतीला बड़ा लेना पड़ेगा ताकि उसमें ये ट्रे आ जाए, आराम से नीचे फिट हो जाए। पतीले के ढक्कन को कवर करेंगे, कपड़े से करेंगे ताकि उसका पानी ड्रिप ना हो, ठीक है, पानी ड्रिप ना हो, और फिर आप उसको बेक करेंगे आधा घंटे के लिए, सही है, आराम से हो जाती है, चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी, लाल भी हो जाएगी, सब हो जाएगी। अच्छा ब्रेक आ गई है, देखिए जल्दी से मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, डाल दिया 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, हल्दी डाल दी, क्रश रेड पेपर यानी कुटी हुई लाल मिर्चें हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, ठीक है, 1 टीस्पून हमने ये डाल दी, चिली पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छा भुनावा कुटावा जीरा 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून, और जाएगा इसमें नमक 1/2 टीस्पून, ठीक है। इसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे ना, हम इसमें ऑयल डालेंगे अपनी कढ़ाई में, सिर्फ 2 टेबलस्पून तेल जाएगा और इसमें हम ये चिकन को कुक करेंगे, जब चिकन गल जाएगी तो कोयले का धुआं देंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब वेलकम बैक, ये देखे हमारी ब्रेड, इसको हम काटेंगे चौकोर पीसेस में। अच्छा यहाँ पे मैंने आपको बताया आधा किलो चिकन ली थी लंबाई में काट के, जूलियन में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, भुनावा कुटावा जीरा 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, सिरका या लेमन जूस 2 टेबलस्पून डाल के आपने इसको कुक करना है, कुक मैरिनेट किया, मैरिनेट करके कुक किया। अब ये इसका मैंने खोल दिया इसको ताकि जल्दी से इसका पानी खुश्क हो जाए, जैसे ही चिकन का पानी खुश्क होगा मेरे पास यहाँ दहकता हुआ कोयला रखा हुआ है, इसमें मैं साइड में डाल के उससे उसको दम दे दूँगी, ठीक है, और फिर हम आ जाएंगे सैंडविचेस पे जाएगी। अच्छा ब्रेक आ गई है, देखिए जल्दी से मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, डाल दिया 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, हल्दी डाल दी, क्रश रेड पेपर यानी कुटी हुई लाल मिर्चें हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, ठीक है, 1 टीस्पून हमने ये डाल दी, चिली पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छा भुनावा कुटावा जीरा
1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून और जाएगा इसमें नमक 1/2 टीस्पून। ठीक है, इसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे ना हम इसमें ऑयल डालेंगे अपनी कढ़ाई में, सिर्फ 2 टेबलस्पून तेल जाएगा और इसमें हम ये चिकन को कुक करेंगे। जब चिकन गल जाएगी तो कोयले का धुआं देंगे जाए। जैसे ही चिकन का पानी खुश्क होगा, मेरे पास यहाँ दहकता हुआ कोयला रखा हुआ है, इसमें मैं साइड में डाल के उससे उसको दम दे दूँगी। ठीक है, और फिर हम आ जाएंगे सैंडविचेस पे। ये हमारा सलाद तैयार है, ये हमारा सॉस तैयार है, ये हमारी मर्ज़ी है, चेडर चीज़ डालना चाहें खुरची भी वो भी डाल सकते हैं, ग्रेटेड या चीज़ स्लाइसेस भी डाल सकते हैं आप चीज़ें। अच्छा, हमने इन पे वो लगा लिया है पक्की क्रीम चीज़। वो हमारा मैक एंड चीज़ टेबल पे जा चुका है। बस ये भी हो रहा है। ठीक है, ये देखें एकदम ड्राई नहीं, ड्राई करना है लेकिन एकदम भी नहीं सुखा दें कि वो बिल्कुल ही खाने में गले में फंसने लगे, थोड़ा सा रहे, मतलब ज़रा सा मॉइस्ट रहे। चूल्हा बंद कर दीजिए। 1 टीस्पून ऑयल, 1/2 आ जाइए इसकी असेंबलिंग पे। एक बता रही हूँ आपको, या ब्रेक ना आ जाए इस वजह से। सलाद का पत्ता, आई लव इट, इसलिए मैं डाल रही हूँ, वेरी हेल्दी। ठीक है, उसके बाद आप इसमें रखेंगे चीज़ स्लाइस या चेडर चीज़, मर्जी है। ठीक है, उस नज़र आ रहा है सालिक, ओके। उसके बाद आप इसमें रखेंगे ठीक है, ये आपने रखा, इसके ऊपर आपने डाला चिकन, ये 1/2 किलो चिकन में आपके 6 बन जाते हैं ईजी। ये डिनर सैंडविच है, ये आप उस पर नहीं कर सकते, हाई टी के लिए नहीं है ये। ये आपका, इसके साथ एक सूप बना लीजिए, ये आपका कंप्लीट डिनर है। हाँ बेटा, बस 1 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 1 मिनट दे दो। सॉस भर के 1 टेबलस्पून, क्रोसॉन्ट प्लीज एक्चुअल वाला लीजिएगा, वो बेकरी वाला खुदा के लिए, जो बन स्टाइल का होता है वो हमें नहीं चाहिए।
ठीक है।